आपने चिकन बीफ पोर्क खाते हुए लोगों को तो सुना ही होगा, लेकिन आपको बता दें भारत का एक राज्य ऐसा भी है जहां कुत्तों का मांस खाया जाता है। ये राज्य है पूर्वोत्तर का नागालैंड। इस राज्य में अभी तक कुत्तों का मांस खाया जाता था, लेकिन अब वहां की बीजेपी सरकार ने कुत्तों के मीट बेचने और खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नागालैंड की एनडीए सरकार ने जानवरों के साथ होने वाली क्रूरता को देखते हुए शुक्रवार को ये अहम फैसला लिया। राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री एन क्रोनो ने बताया कि कुत्तों के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर और कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला सेवन के लिए दूसरे राज्यों से कुत्तों को लाने के खतरों को देखते हुए और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत लिया गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता क्रोनो ने बताया कि तत्काल प्रभाव से सुअरों के भी वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया गया है। क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बाद राज्य ने पहले ही सुअरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। राज्य के मुख्य सचिव तेमजेन तोय ने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। बता दें पूर्वोत्तर राज्यों में कुत्तों का मांस खाया जाता रहा है। यहां के लोग इसे पौष्टिक और पोषण वाला मानते हैं, लेकिन नागालैंड में अब कुत्तों का मांस खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि नेफ्यू रियो की सरकार ने सूबे में कुत्तों के मांस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। नागालैंड सरकार के इस फैसले की बॉलीवुड एक्ट्रेस और डॉग लवर अनुष्का शर्मा ने भी तारीफ की है।